मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। पिछले दो बार से चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस इस बार नए महिला प्रत्याशी के साथ मैदान में है, तो भाजपा ने सातवीं बार चुनाव लड़ रहे वर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारा। वीरेंद्र खटीक चार बार सागर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहने के साथ पिछले दो बार से टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद है। भाजपा के मुताबिक ये अजेय नेता हैं क्योंकि अब तक वीरेंद्र खटीक एक भी चुनाव हारे नहीं है। भाजपा कांग्रेस की महिला उम्मीदवार किरण अहिरवार को कोई चुनौती नहीं मानती। इधर कांग्रेस के मुताबिक पिछले दो चुनाव से हार के बाद इस बार कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है। कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा, साथ ही महिला सशक्तिकरण के जरिए चुनाव में जीत की राह पक्की है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि क्या महिला उम्मीदवार चुनाव जीतती हैं और कांग्रेस का सूखा खत्म करती हैं, या डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो इस इलाके से लगातार चुनते रहे हैं वो अपनी जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हैं। कांग्रेस की महिला प्रत्याशी होने के कारण आप देखिए दूसरी तरफ भाजपा में भगदड़ मच गई है। जिनके पुत्र स्वयं विधायक हैं भाजपा से, उनका पिता समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हो गया है, वह भी यही कहता है कि मैं वीरेंद्र खटीक को सागर पहुंचाऊंगा। इसलिए आप जी मानिए कि किरण अहिरवार जीत के जाएंगे और भारी बहुतों से जीत के जाएंगे। वीरेंद्र कुमार जी ने तो जो सौगातें दी हैं वो हमने आपको बताई हैं, लेकिन वो तो कभी जीवन में भी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना होगा, हमें टिकट मिलेगा। टिकट मिला, आज जनता के बीच में आई है। अब जनता का मन इस बार फिर है कि वीरेंद्र कुमार, तीसरी बार वीरेंद्र कुमार, अब की बार मोदी सरकार।